रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। छतरपुर के बाद भोपाल में भी बेरोजगार फांसी पर झूला भोपाल। मध्य संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार करते करते थक चुके एक युवक ने छतरपुर में आत्महत्या कर ली थी। अभी यह खबर सुर्खियों से बाहर भी नहीं हुई थी कि भोपाल में भी एमटेक पास इंजीनियर की मौत की खबर आ गई। उसने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। बताया जा रहा है कि वो पिछले 6 माह से बेरोजगार था। मध्य में किसान और कर्मचारी के अलावा बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सरकार केवल आंकड़ों में खेल रही है और बेरोजगारी के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मिस रोड टीआई संजीव चौकसे के अनुसार इंडस टाउन होशंगाबाद रोड निवासी 28 वर्षीय दीप सिंह टेक कर चुका था। उसने रविवार को दोपहर अपने नए घर की छत पर बने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। परिजनों ने उसे फांसी के फंदे पर लटके देखा तो पुलिस को सूचना देकर बुलाया। 3 माह पहले है इंजीनियर का परिवार घर में शिफ्ट हुआ है। टीआई संजीव चौकसे का कहना है कि दीप सिंह से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें लिखा है कि वह अपनी मर्जी से जान दे रहा है। उसका यह कदम माफी योग्य नहीं है, लेकिन वह जिंदगी से परेशान हो चुका है। निजी कारणों के चलते वह जान दे रहा है। हालांकि निजी कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। परिजनों के बयान होने के बाद ही खुदकुशी की सही वजह सामने आ पाएगी। 6 माह पहले छोड़ दी थी नौकरी। 3 भाइयों में दीप सिंह मनजला था। उसके पिता की इटारसी में आर्डिनेंस फैक्ट्री है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है। वह अपने अलग फ्लैट में रहता है। दीप से छोटा भाई गजेंद्र एमपी नगर में निजी काम करता है। दीप सिंह 6 माह पहले तक शहर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, लेकिन उसने छोड़ दी थी। नौकरी क्यों छोड़ी थी, इसकी वजह पुलिस तलाश रही है।